नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको इस टॉपिक पे बताने वाला हूं कि कॉपीराइट का स्ट्राइक क्यों आता है और किस कारण आता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी चीज होती है फ्री चीज होती है, तो उसको अगर हम बताते हैं यहाँ पे, अगर उसका लिंक देते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास कोई भी कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आता है। लेकिन जब हम कोई पेड चीज होती है, जैसे कोई मूवी हो गया या कोई सीरियल हो गया जो एकदम पेड है, जो OTA प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है या फिर जो आपने किसी चीज का सब्सक्रिप्शन ले रखा है उस पर मिलता है, अगर आप उसे क्रैक तरीके से या इलीगल तरीके से, आपको नहीं पता होता कि ये क्रैक तरीका या इलीगल तरीका है, लेकिन वो होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मेरे कॉपीराइट का स्ट्राइक आया था, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे आया है, तो मैंने पता लगाया, उस पर रिसर्च करी, तो मुझे पता चला नहीं, मैं इसे क्रैक तरीके से दिखा रहा था इसलिए कॉपीराइट का क्लेम आया इसके ऊपर, सॉरी स्ट्राइक आया कॉपीराइट का। तो कॉपीराइट जो क्लेम होता है और स्ट्राइक होता है, इसमें क्या अंतर है? जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है वो मतलब आपके चैनल पर 90 डेज के लिए रहता है। अगर आपके जिसने कॉपीराइट का स्ट्राइक दिया है उसको अगर आप मेल करके बोलते हैं, नहीं भाई मेरे से गलती हो गई और मैंने आपका कंटेंट यूज किया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर वो उसका मन, अगर आपका लक सही हुआ, अगर उसने 72 से 48 आवर में रिप्लाई आता है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका जो मैंने स्ट्राइक दिया है वो वापस ले रहा हूँ, तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो नहीं लेता है तो आपका 90 डेज के तक रहता है। 90 डेज के बाद आपको यूट्यूब को एक मेल करना होता है कि मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक जो था वो 90 डेज का था, वो कंप्लीट हो चुका है, आप उसे वापस ले लें। तो इसमें अभी हमारा 90 डेज नहीं हुआ है, मेरा 2-3 दिन पहला है, तो मैं आपको ले चलता हूँ किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस में दिखाऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फोन है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके का। आप जाके वहां पे 3 डॉट पे क्लिक करें और डेस्कटॉप मोड में अनेबल कर लें। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा खुद का चैनल है जो जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो आ रखा है चैनल वोकेशंस पे ऐसा कुछ आता है 1 of 3, तो इस पे गाइस हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एक्शन का ऑप्शन आएगा, कंटेंट क्लेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जिसने आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक दिया है उसका मेल आईडी आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कॉपी करना है, सिंपली अपने मेल पे आना है, यहाँ पे आपको मेल पेस्ट कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा ईमेल कि मेरे से गलती हो गई, जो भी था मैंने लिख दिया, आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद हमें आप क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टाइटल दे देना है और यहाँ पे वीडियो का लिंक देना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में भी लिख देना है, ठीक है, और आपको सिंपली यहाँ से सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद व्यू करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो रिप्लाई होता है 72 आवर्स से लेके 48 आवर्स में आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, क्योंकि ये सबको रिप्लाई नहीं देते हैं। आपके चैनल पे अगर स्ट्राइक आए तो आप ये समझ लीजिए कि 90 डेज़ के लिए वो रहेगा, 90 डेज़ के बाद हट जाएगा। और ये आपको इस चीज़ में बता दूँ, अगर 30 डेज़ या 90 डेज़ के अंदर आपके चैनल पे एक स्ट्राइक तो आया हुआ है पहले से, अगर 2 और आ गए तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, तुरंत नहीं होता, कुछ दिनों बाद होता है। तो प्लीज़ अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, किसी दूसरे का ना कॉपी करें, अपने पे बनाओगे तो ही होगा, ठीक है गाइस, बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि खुद का ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करें। तो गाइस जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक लिंक दे रहा हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके उस चैनल पर विजिट करना, उस पर देवभूमि उत्तराखंड की बहुत सारी वीडियोस है, जैसे कि राफ्टिंग हो गया या फिर वहाँ पे कैसे बर्फ़ पड़ती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप देखिए, उस चैनल पर विजिट करिए और देखिए कैसा लगता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।